ખુશ રહો બેટા ખુશ રહો દાદી આપ બેઠો પ્લીઝ બેટા આપ ભી બેઠો ઓર બતાઈએ દાદી આપ કેસે હો બસ બેટા મેં તો ઠીક હું આપ બતાઓ આપ કેસે હો બેટે મેં તો આપના દિન કેસે જો એકદમ ઓર ઓર આપ યે તો બતાઈએ આપ કિસકે ખ્યાલો મેં ખોયે હુએ થે દાદી અરે બેટા ઈ સુમર મેં કિસકે ખ્યાલો મેં ખોયે હુંગી અરે હટ પગી ભગવાન કા તો જાપ કરતી રહેતી હું પૂરા દિન ઓર બતાઓ બેટા આપકો યહાં કૈસે આના હુઆ યહાં પર અપની પ્યારી રાતો સરપ્રાઈઝ દેને આયે ઓર મેં બેટા પર મેં આ હું તો મેં અપની દાદી કા બર્થડે એકદમ ધૂમધામ સે મનાઉં એકદમ શાનદાર પાર્ટી થ્રો કરું ક્યા કહેતો આપ અરે બેટા अब तो मैं 60 साल की हो गई हूँ इस उम्र में कहाँ अपना जन्मदिन मनाऊँ अब तो मेरी उम्र तेरे दादू के पास जाने की हो गई है और बता 60 साल की उम्र में अपना जन्मदिन मनाने से तो अच्छा भगवान का जाप करूँ ताकि मोक्ष और मुक्ति मिले क्या बात है मैं यहाँ से यहाँ पर आपके लिए आई और अब अरे बेटा मैं आपको छोड़ के कहीं पे नहीं जाने वाली हूँ यहीं पे तो हूँ अरे हाँ जाने से मुझे याद आया मुझे तो अपने जीवन के अंतिम क्षण व्यतीत करने गुरुजी के दीनदयाल आश्रम जाना है और बेटा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी आप ये बाजू वाला बबलू है ना उसने मेरा ट्रेन का रिजर्वेशन भी करवा दिया है बेटे आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आओगे आप कितने दिनों तक वापस आ बस बेटा यही 10-15 दिनों में आ जाऊंगी पक्का आप 10-15 वापस आ जाओगे ना हाँ बेटे मैं आ जाऊंगी थैंक यू बेटे आप बैठिए दादी हेलो अरे मैं मस्त हूँ तू बता तेरी सरप्राइज कैसी रही जैसा मैं पहले बोला था दादी से शॉक हो गई है वाओ और बता और कुछ नहीं अभी मैं डॉक्टर के पास हूँ क्यों क्या हुआ तुझे तुझे एकदम हट्टा कट्टा है कि अरे खून में थोड़ा पेट में मामूली सा दर्द था तो डॉक्टर ने बोला डायलिसिस करवा ले क्या तू कहाँ है तू मुझे अभी क्या अभी तेरा मैसेज सेंड करके तू कहाँ पर है एड्रेस अभी क्या अभी सेंड कर मैं अभी क्या अभी वहाँ पहुँच रही हूँ और बहस मत कर मैं आ रही हूँ कहाँ ना बोले आ रही हूँ ठीक है अरे चल ठीक है मैं मैसेज कर देता हूँ ओके चल ओके बाय दादी हाँ बेटे चलो आप अपनी ट्रेन ले लो हम स्टेशन के लिए निकलते हाँ चलो बेटे अरे हाँ तुझे भूल गया क्या तो आ जल्दी जल्दी क्या यार बोला तो था मेरे को अरे बस ठीक है यार ना यार चल आ मिलते हैं एक्चुअली वी हैव अपॉइंटमेंट फॉर डार्लिंग स्कूल ओके हेलो डॉक्टर हरमान मलिक इज हियर फॉर डायलिसिस ओके 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 थैंक यू बट You must be Mr. Malik, right? Yeah, Mr. Malik. Okay, come sit.
Thank you. This is report. Given. Okay. Doctor? Everything is all right? Wait, Mr. Malik. I am checked. Mr. Malik, मैंने आपका केस स्टडी कर लिया है. आपका केस स्टडी करके मुझे पता चला कि आपको आपकी जो एक किडनी ऑलरेडी फेल थी, लेकिन सॉरी टू से मिस्टर मलिक, आपकी दूसरी किडनी भी फेल है. रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर मलिक, आप हाइपर मत होइए, आप बैठो थोड़ी देर, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा. अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डोनर, किडनी डोनर. एक ऐसा डोनर जिसे मिस्टर मलिक की किडनी मैच हो जाए. डॉक्टर आप पर प्लीज मेरे दोस्त की जिंदगी बचा प्लीज. मैम उसके लिए आपकी किडनी मिस्टर मलिक से मैच होनी जरूरी है. एक काम करो, मैं आपके ब्लड सैंपल ले लेता हूँ और उसको लेने भिजवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर दूंगा. नर्स ये मैम के ब्लड सैंपल ले लो और भिजवा दो. Yes. मैच हो. मैम आपकी किडनी की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, लेकिन सॉरी टू से आपकी किडनी मिस्टर मलिक से मैच नहीं हो रही है. अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप किडनी डोनर ढूंढिए. बाबा जी
हेलो आप इन लोगों को जानते हो?
जी हाँ बिल्कुल। ये मेरे दोस्त है आरव और कृष्णा और गाइस शी इज माय ग्रैंडमॉम। या वे नो। अच्छा बेटा आप लोग कितने सालों के बाद मिले होंगे और आप लोगों को वही बहुत सारी बातें भी करनी होगी। आप लोग बैठो आराम से बातें करो, मैं बाद में आता हूँ। क्या हुआ अनन्या, कभी टेंस लग रही हो, कोई मर गया क्या? ऐसी बात नहीं है आराम, बस एक प्रॉब्लम है। कहीं शेयर भी करो। एक्चुअली गाइस जैसे कि मैंने अभी बोला, मैं यहाँ पर आई थी दादी को विश करने, उन्हें सरप्राइज देने क्योंकि उनकी बर्थडे आ रही है। पर यहाँ अगर मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त है अरमान, वो एक मुसलमान है और उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है। oh, shit. और ना मेरी किडनी उससे मैच हुई, तो हमने सोचा क्यों ना दादी को ये सब पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ दादी हमारी मदद जरूर करेगी। तो क्या दादी ने हाँ कहा? नहीं यार, तब तक दादी गुरुजी के आश्रम के लिए निकल चुकी थी। और तू तो जानता है गुरुजी हिंदू धर्म में कितने चुस्त है और दादी उनकी परम भक्त है। सही कहा। गुरुजी ने इन सब का विरोध किया और दादी भी नहीं मानी। अब पता नहीं मेरे दोस्त की जिंदगी कैसे बच पाएगी। पर अनन्या क्या तुम्हें पता नहीं कि हम एनजीओ चलाते हैं, दैट टू ऑन अंगदान? ये गाइस मैं तो भूल ही गई कि आप लोग एनजीओ चलाते हैं। गाइस प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ दिस, प्लीज मेरे फ्रेंड को किडनी डोनेट करने के लिए तो डोनर दिला दो ना प्लीज। श्योर अनन्या। पर इसमें पाप क्या है दादी जी, ये तो पुण्य का काम है, किसी को अपना अंग देना ये मानवता का काम है और इसे जरूर करना चाहिए। ठीक है दादी जी आप मत मानिए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज जिस स्थिति में अनन्या का दोस्त अरमान मलिक है, कल उठ के आपकी अनन्या अगर उस स्थिति में आ जाए, अगर उसे इस किडनी की जरूरत पड़े जो उसे जिंदगी बचा सकती है, और अगर यदि कोई मुसलमान ही उसे उस किडनी दे, तो आप धर्म का भेदभाव करेंगे, चलेंगे अपने गुरु जी के मार्गों पर? नहीं बेटे, मैं अपनी अनन्या के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं? बेटे अनन्या आप चिंता मत करो, मैं इन सब का महत्व अब समझ गई हूँ। अब आपके दोस्त की जिंदगी मैं अपने अंग के दान करके ही बचाऊंगी। बेटे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। शुक्रिया दादी। तो दादी जिंदगी में कभी हमें धर्म को अहमियत देनी चाहिए, ये बात मैं मना नहीं कर रही, पर जब बात किसी की जिंदगी की आए ना, तो ना जात पात देखनी चाहिए ना पैसे देखने चाहिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी जात पात और पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। दादी जी दादी बिल्कुल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच दादी कि आप मान गए, एंड आरव एंड कृष्णा थैंक यू लॉर्ड कि आप लोगों ने दादी को इस बात को समझा दिया। मेंशन कर मेंशन और हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। बेटे आरव कृष्णा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। जी कोई बात नहीं, प्लीज जल्दी चलिए, हमें अरमान को किडनी दाना करनी है प्लीज। बिल्कुल चलो चलो। अरे मेरा शिष्य कहाँ जा रहा? अनन्या के दोस्त की जिंदगी बचाने गुरुजी, आपको कोई दिक्कत? मतलब मैं तो समझा नहीं, काम करने के लिए ऐसा सुख का मेरे दोस्त को दादी अपनी किडनी डोनेट करने चाह रहे हैं गुरुजी। घर पर जाना है तुझे, सिंह सलमान को अपनी किडनी देकर अपना अंगदान करवा कर, कितनी बार समझाया मैंने तुझे, कितनी बार गुरुजी पाप है जो गुरुजी मैं आज चुप नहीं रहूंगी, पर एक हिंदू मुसलमान सिख इस्लाम हम अपने इंडिया से दूर जरूर रहते हैं गुरुजी, पर कभी हमने अपने इंडिया को अलग अलग करके भी देखा है, और आप यहाँ रहते हो गुरुजी, और ये इंडिया है जिसे सारे देश के लोग भारत माँ के नाम से जानते हैं, जिसके
ये कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो गुरुजी पूरे भारत के बच्चों को आप अलग अलग करके कैसे देख सकते हो गुरुजी? और हमारे देश में धर्म कई अलग क्यों ना हो, पर हम इंडिया में एक इंसानियत के नाम पर तो किसी की जिंदगी बचा ही सकते हैं ना गुरुजी? ये मत समझाओ ये सब ज्ञान की भाषा, ये मत। गुरुजी ऐसे तो मैं आपके सामने काफी तुच्छ हूँ, पर ये तुच्छ इंसान आपसे कुछ चंद बातें करना चाहता है। मैं एलएमए रिसर्च सेंटर में खुद साइंटिस्ट हूँ और साथ में एनजीओ भी चलाता हूँ। आज जो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहा है, जो रिसर्च वो कर रहा है और कर रहा था, वो हमारे देश में कई हजारों साल पहले हमारे देश के महाज्ञानी पुरुष जैसे कि चरक, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन जैसे लोगों ने ढूंढा था। तो आज यही देश के लोग इस अंगदान के विरुद्ध क्यों है? Why are they opposing this thing? क्यों इस चीज के विरुद्ध है? तू मुझे समझाएगा क्या की परिभाषा? मैंने भी शास्त्र पढ़े। आपने जरूर शास्त्र पढ़ोगे गुरुजी, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या आप ये बता सकते हैं कि एक हिंदू का खून कौन सा है और एक मुसलमान का? नहीं, क्योंकि दोनों के खून में एक ही अंतर है। वो अंतर कुछ नहीं, दोनों का खून एक ही है। ये बात अगर आप समझ जाए तो बहुत अच्छा है। ये कुछ इंसान आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहता है। और गुरुजी एक मुसलमान भी इंसान ही होता है। हाँ गुरुजी, ये बच्ची सही कह रही है। हाँ गुरुजी, गुरुजी इसी का कह रही है बेटी। गुरुजी आप ही कहते हैं ना, जिसकी काया उसी की माया, तो आप इन सबका विरोध कैसे कर सकते हैं गुरुजी? और एक गुरु का धर्म होता है अपने शिष्यों को सही राह दिखाना। आपने सही राह दिखाई है कि किसी की जिंदगी बचाना बुराई नहीं है पर सबसे भलाई काम है। अगर किसी इंसान को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी है तो किसी की जिंदगी बचाने से अलावा उसे मोक्ष और मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और अंगदान करके किसी की जिंदगी बचाना, ये तो सबसे भलाई का काम है। बात आपकी सही है बेटे। गुरुजी मैं आपसे चंद बातें और कहना चाहता हूँ। आपके हिंदू शास्त्र के अनुसार एक काया को जलाकर उसे भस्म किया जाता है, पर आप ये बताइए क्या एक राख, एक भस्म किसी की जिंदगी बचा सकता है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। अगर वही राख और भस्म अंगदान के तौर पर हम उसे भेंट करें तो ऐसे कितने हनुमान मलिक है इस दुनिया में जिनकी जिंदगी हम बचा सकते हैं इस काया से? बात सही है आपके बेटे, मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। आज मुझे समझ आया कि अंगदान का महत्व क्या है। जब कोई गुरु ना समझे तो उनके शिष्यों का फर्क क्या है? उनसे सही रोज सही राज मैं धन्य हो गया, धन्य आप वजह से शिष्य को पाया। देखा आपने, एक मानवता और धर्म अंगदान को रोक नहीं पाए। ऐसे कितने अरमान मलिक हैं हमारे देश में जिन्हें अंगदान की सब जरूरत है। और आपको पता है दादी की किडनी अरमान से मैच हो गई और उसे जिंदगी मिल गई। पर कौन है ये मुसलमान, कौन है ये हिंदू? आखिर है तो इसी देश के ना, आए तो यहाँ से ही है ना, रहते तो यहाँ पर ही है ना। हम सब जानते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या क्रिश्चियन, हम सबके धर्म अलग अलग जरूर है, पर दिवाली में भी अली है और रमजान में भी राम है। और किसी कुरान, बाइबल, गीता या गुरु ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ कि अंगदान करना पाप होता है। थैंक यू गाइस। थैंक्स अ लॉट।